Hello everyone, my name is Milab Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Entertainment. दोस्तों आज का ये वीडियो बनाया है मैंने स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग अक्टूबर 2021 के अंदर एग्जाम्स देने वाले हैं, यानी कि वो NIMS के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं जिनके प्रैक्टिकल्स अभी चल ही रहे हैं, यानी कि वो स्टार्ट हो चुके हैं और अब वो अपनी तैयारी करेंगे अक्टूबर के फाइनल एग्जाम्स के लिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी प्रीवियस मीटिंग हुई थी उसको लेकर मैंने आपको अनाउंसमेंट किया था उसी वीडियो के अंदर कि मैं 28 तारीख को एक वीडियो लॉन्च करूंगा जिसमें मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली ये बता दूंगा कि वहां पर हमने जो सवाल किए थे उनके हमें क्या रिप्लाई आए। दोस्तों जैसे कि NIMS हेडक्वार्टर्स में हमारा सबसे पहला सवाल था कि क्या वो अक्टूबर के एग्जाम्स को कैंसिल किया जा सकता है, तो उनका यही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कि अलाउ किया है कि जो गर्ल्स हैं जिनके NDA के एग्जाम्स होने वाले थे, जो कि NDA के एग्जाम्स होने थे अप्रैल 2022 के अंदर, उन एग्जाम्स को नवंबर में ही कंडक्ट करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जिद की है, यानी कि उन्होंने कहा है कि ये NDA के गर्ल्स के जो वुमेन एग्जाम्स हैं ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर हो जाने चाहिए और ये नवंबर के अंदर कर दिए जाएंगे, यानी कि नवंबर के अंदर सभी गर्ल्स NDA के एग्जाम्स देने वाली हैं। अब आप सोच के देखिए, जो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो ये एग्ज़ाम होता है NDA का, बहुत बड़ी मात्रा में होता है, इसमें कई लाख बच्चे बैठते हैं जो NDA का एग्ज़ाम देते हैं। तो अब आप सोच के देखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि NDA के एग्जाम देने के लिए गर्ल्स बाहर जाएंगी और वो पेपर दे सकती हैं, तो NIMS इस बीच में आप लोगों के एग्जाम्स कभी भी कंडक्ट करा देगा। तो इसीलिए NIMS ने कैंसिल करने के लिए मना किया है और उनका ये कहना है कि वो आपके इन एग्जाम्स को ज़रूर लेगा, राइट। ये थी पहली खबर कि आपके एग्जाम्स तो होंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपके एग्जाम्स होने में क्या क्या चीजों की सावधानी बरती जाएगी। दोस्तों पूरी प्रिकॉशंस के साथ आपके एग्जाम्स लिए जाएंगे। जहां पर भी आपका सेंटर पड़ेगा, एडमिट कार्ड में जो एड्रेस आएगा जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वहां पर पूरी प्रिकॉशंस के साथ वहां पर जाना है और अंदर सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध मिलेंगी। बच्चों को बैठाने का सिस्टम भी गैपिंग के अंदर होगा। यहां पर एग्जाम्स को कैंसिल ना करने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि अप्रैल सेशन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो बच्चों की तादाद होती है वो कम से कम 4.5 लाख से ऊपर की होती है। अगर हम ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टूडेंट्स की बात करें जो NIMS के 10th और 12th क्लास के बच्चे अप्रैल सेशन के अंदर पेपर देते हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अप्रैल सेशन के बाद जैसे ही अक्टूबर सेशन आता है पूरे इंडिया के अंदर कोई भी बोर्ड इसमें पेपर नहीं देता सिवाय NIMS के। NIMS बोर्ड इस अक्टूबर सेशन के अंदर बच्चों के पेपर लेता है और इस बार जो बच्चों की तादाद है यानी कि बच्चों की जो क्वांटिटी है वो अराउंड 1.5 लाख बच्चों के आसपास है, यानी कि 1,70,000-73,000 बच्चे हैं टोटल जो इस बार अक्टूबर के अंदर एग्जाम देने वाले हैं। तो दोस्तों आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम्स कैंसिल होने के चांसेस कम क्यों हो गए। दूसरी बात है कोरोना की थर्ड वेव को लेकर भी है, जैसे कोरोना की थर्ड वेव जो है इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ना चाहिए था लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है और केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार सभी ने मिलकर ये फैसला लिया है कि जिन बच्चों के एग्जाम्स होने चाहिए जिन जिन राज्यों में वो फटाफट ले लिए जाएं। इसीलिए NIMS बोर्ड पूरा तैयार है और मैं आपको बहुत जल्द ये बताने वाला हूँ कि जो आपकी डेट शीट है, अभी आप ही देख रहे होंगे मार्केट के अंदर एक डेट शीट चल रही है जो बच्चे मेरे पास कभी कभी भेज देते हैं जिसमें 20 तारीख को पहला पेपर दिखाया गया है 2021 अक्टूबर की डेट शीट बता रहे हैं। दोस्तों वो डेट शीट ओरिजिनल नहीं है, वो फेक डेट शीट है। ओरिजिनल डेट शीट सिर्फ NIMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी और ये भी मैं आपको बता दूं 10 अक्टूबर के आसपास आपकी ओरिजिनल डेट शीट आपको अपने स्टूडेंट पोर्टल पर देखने को मिल सकती है या फिर आप NIMS की वेबसाइट www.nims.ac.in के अंदर भी जाकर वहां पर भी अपनी डेट शीट को देख सकते हैं। डेट शीट बहुत जल्द 10 अक्टूबर के आसपास आपकी लॉन्च कर दी जाएगी। अब यहां पर हमने सवाल किया था उनसे कि अगर मान लीजिए कोरोना की स्थिति गंभीर हो जाती है यानी कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन अगर कोरोना का प्रकोप बढ़ जाता है यानी कि कोरोना की सिचुएशन या डिजास्टर ज्यादा बढ़ जाता है या पेशेंट तेजी से बढ़ने लग जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या एग्जाम्स को स्थगित किया जाएगा। तो दोस्तों उनका इस सवाल का सीधा सीधा आंसर था जी हाँ बिल्कुल किया जाएगा। जैसे ही हमारे पास कानूनी आदेश आएंगे हम तुरंत अपने एग्जाम्स को बीच में ही स्थगित कर देंगे, लेकिन तब तक हम बच्चों के एक सभी एग्जाम्स ले चुके होंगे लगभग, जैसे मान लीजिए आप TMA जमा करवा चुके हैं अपना, अक्टूबर सेशन वाले बच्चे जो है वो अपने TMA जमा करवा चुके हैं, जिन्होंने अगस्त की 31 तारीख को अपना TMA जमा करवाया था, बच्चे अपने प्रैक्टिकल्स भी लगभग दे ही रहे हैं, सारे बच्चे तैयारी कर चुके हैं अपने एग्जाम्स की। अब बात करते हैं फाइनल एग्जाम की, तो फाइनल एग्जाम के अंदर पहला एग्जाम या दूसरे एग्जाम के बाद अगर मान लीजिए कोरोना की स्थिति बन भी जाती है तो भी एग्जाम को स्थगित कर दिया जाएगा और आपके TMA आपके प्रैक्टिकल और साथ में आपके जो भी जितने एग्जाम्स जितने सब्जेक्ट से होंगे उनको इंक्लूड कर उसके आधार पर आपको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से पास कर दिया जाएगा। दोस्तों
तो ये है NIVS बोर्ड का पूरा जो स्ट्रेटेजी है, जो मैं प्रीवियस 5-10 वीडियोस से आप लोगों को लगातार कैंसिलेशन पे बनाते हुए बता रहा था कि एग्जाम होने के चांसेस ज्यादा है, और कारण सिर्फ यही है कि कोविड की सिचुएशन को काफी कंट्रोल किया गया है और केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट ये सब मिलकर भी चाहते हैं कि बच्चों के एग्जाम्स फाइनली ले लिए जाएं। इसी तरह से सभी गवर्नमेंट कोचिंग के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, सरकारी नौकरियों के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, एनडीए के भी एग्जाम्स चलेंगे नवंबर के अंदर, इसीलिए NIVS के बच्चों को भी एग्जाम्स फाइनली देने ही देने हैं। अब यहाँ पर एक सबसे अहम सवाल जो हमारा आता है वो क्या होता है, वो है कि अगर कोई स्टूडेंट पेपर देने के लिए जाता है उस दौरान, कोविड की सिचुएशन तो नॉर्मल रहती है लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उस कंडीशन में उस स्टूडेंट या तो उस स्टूडेंट को फेल किया जाएगा या फिर उसको किसी माध्यम से पास किया जाएगा। तो यहाँ पर NIVS बोर्ड ने चुप्पी साध ली और उसने कहा कि इस बारे में अभी हम कुछ नहीं बता सकते, जिस दिन हम डेट शीट लॉन्च करेंगे उस डेट शीट के साथ एक नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। वो नोटिफिकेशन जो जारी किया जाएगा वो NIVS की ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा, जिसमें सभी बच्चों को उस डेट शीट को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसके अंदर सारे प्रावधान लिखे हुए हैं कि अगर कोई बच्चा एग्जामिनेशन के दौरान कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उस बच्चे को क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी या क्या वो ऐसे प्रावधान यूज कर सकता है जिसके माध्यम से उसका भी रिजल्ट पास हो सकता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 5 या 6 तारीख के आसपास मेरी एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं ये बताऊंगा कि इन केस अगर किसी बच्चे के एग्जाम सही नहीं हो पाते या कोई बच्चा किसी तरीके से या किसी वजह से बीमार हो जाता है या वो एक ऐसे एरिया से बिलोंग करता है जहाँ पे बहुत छोटा गांव है या उसका जो एड्रेस है जहाँ उसे पेपर देना है वो डिस्टेंस जो है उसके घर से 50 किलोमीटर या 150 किलोमीटर या बहुत ज़्यादा है, ऐसे बच्चों को NIVS हेडक्वार्टर्स की तरफ से क्या सहूलियत मिलने वाली है, 5 या 6 तारीख को मेरी आने वाली वीडियो के अंदर आपको जरूर सुनने को मिलेगा दोस्तों। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आपका पड़ोसी कर लेगा और नॉलेज उसके पास चली जाएगी, लेकिन अगर आप चूक गए तो हो सकता है कि आपके रिजल्ट में कुछ वो ना आए जो आप चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं बिल्कुल ऑथेंटिक है, रियलिस्टिक है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं NIVS हेडक्वार्टर से डायरेक्ट आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाता हूं। तो दोस्तों मैं आपको यहां पर यही कहूंगा कि आप लोग अपने एग्जाम्स की बढ़िया से तैयारी कीजिए। अब एक सवाल और आता है, जिन बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल नहीं था उन बच्चों के पास फाइनली आ चुका है स्टडी मटेरियल, और जो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तलाश कर रहे हैं क्योंकि समय कम है, मोटी मोटी बुक्स पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, अगर अब भी आप यही सोच रहे हैं कि आपको क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना चाहिए या आपको स्टडी करना चाहिए लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल रहे, तो दोस्तों ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं, और ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप उससे कॉल पे भी बात कर सकते हैं और मुझे बताइए कि अगर किसी भी सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको दिलवा सकता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। एग्जाम्स होंगे और आपको तैयारी करनी है।